Hey guys, my name is Amir. Here you are in a new vlog. So यार दो दिन से तो बहुत ज़्यादा बिजी थे इधर एंड अभी कुछ टाइम मिला है फ्री हुए हैं तो अभी जाना है हमें दुबई सिटी वॉक के लिए. इट्स अ सिटी वॉक या ऐसे दुबई सिटी वॉक कहते हैं, मुझे क्लियरली नहीं पता. तो जाके चलते हैं एंड जाके देखते हैं कि क्या कहते हैं क्या नहीं. एंड मेरे साथ हैं शहरू भाई. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं. जैसा कि समी ने बताया यार, दो दिन से हम लोग यहाँ पे आए थे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम की और हमारी आदत है कि हम काम ख़त्म करने के बाद ही वॉक वगैरह के लिए जाते हैं कहीं फ्री होने के लिए. तो यही सी ना, बाकी आपको साथ साथ हमने कहा थोड़ा सा तो दुबई घूम ले, साथ साथ आपको भी घुमाते हैं. लेट्स गो. एक्चुअली हमारा पूरा अपार्टमेंट चेंज हुआ है तो जाने से पहले मैं आपको पूरा अपार्टमेंट दिखा दूं, फिर चलते हैं. बाय द वे ये भी पहले जैसा ही है, काफी गंद वगैरह पड़ा है, इसे आप इग्नोर करना. A little bit messy right now, लेकिन यू चेक करो. लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था डे टाइम एंड रात टाइम, ये व्यू ऐसा आता है. इससे भी अच्छा व्यू आता है बालकनी से. कोर्स पहले हमारा कमरा नीचे था एंड अभी पूरे का पूरा अपार्टमेंट चेंज होकर ऊपर शिफ्ट हो गया है एंड इधर से बैल्कनी से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही लेवल है. लेट अस सी आवर फ्लैट. हमें आप लोगों को हम लोग अपना ये पूरा अपार्टमेंट दिखाते हैं. पहले कोई और था, अभी कोई और, अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं. तो लेट सी. जेबी का कमरा, जेबी भी हमारा फ्लैटमेट है. ओके सो यार, ये है टीवी लॉन्च. एज यू कैन सी पहले के जैसे ही है बट ये थोड़ा चेंज है. इधर भी थोड़ी सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया और उस साइड पे किचन है. एंड ये किचन है, इसका डोर उस साइड से आएगा एंड ये है बालकनी एंड व्यू देखने के लिए रेडी हो जाओ. तो ये गाइस इस जगह की बात ही और है. समी, इस जगह के बारे में क्या कहना है? ये जगह जो है एंड ऑफकोर्स ये जगह हमें बेसबॉल यूनाइटेड ने प्रोवाइड की है, सो बिग थैंक्स टू बेसबॉल यूनाइटेड. वो समी के पीछे बुर्ज खलीफा है और ये एक बिल्डिंग होप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, वी डोंट नो दिस. और ये इसके नीचे का व्यू देखते हैं गाइस, 29th फ्लोर लाइक हमें. हाँ, 29th फ्लोर है और हमें चींटियों की तरह गाड़ियाँ नजर आती. बाय द वे आपको भी चींटियाँ लग रही हैं या फिर? तो समी भाई, दुबई का एक्सपीरियंस कैसा आपका? दुबई का एक्सपीरियंस बहुत ही लेवल है. जब से इधर आया हूँ काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सही से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन अभी जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत दुबई देखते हैं. या ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रेट. मैंने आपको पहले बताया हम जा रहे हैं बाहर कुछ घूमने फिरने के लिए, तो चलते हैं. लेकिन मैं किस बुक को रख देते हैं इधर, बैग बहुत ज़रूरी है. तो कैन सी गाइस, लाइट्स बंद है एंड जैसे मैं बाहर जाऊँगा लाइट्स ऑन हो जाएंगी. मीन्स ये लोग इतना ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा आ गए हैं कि आ गई लिफ्ट आ गई. ये हमारा होटल बाहर से. जब से मैं इधर आया हूँ एक चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा नोट की है, वो ये है कि इधर लोग रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. लाइक जिसकी जो लाइन है वो उसी में ही रहता है. एज यू कैन सी जिन्होंने इधर से जाना है वो गुजर से जा रहे हैं एंड जिन्होंने सामने जाना है वो रुके हुए हैं एंड किसी ने भी अपनी कार इधर नहीं लगाई. दिस इज समथिंग ग्रेट. लाइक इधर कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ रहा, सब अपना अपना सिग्नल खुलने का वेट कर रहे हैं. भी लाइट रेड है, ग्रीन होने का वेट करते हैं एंड फिर चलते हैं. ओके फाइनली सिग्नल ग्रीन है, चलते हैं. ये वही हिसाब है कि एक तीर से दो निशान, मीन्स ट्रैफिक भी कंट्रोल हो रही है एंड लोगों के गुजरने के लिए रास्ता भी बन रहा है. एंड दुबई एक बिजी सिटी है तो जब से मैं इधर आया हूँ मैंने इधर कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं देखा, सब कुछ चल रहा है. मीन्स रुका कहीं भी नहीं है, सारी कार चल रही होती हैं, रुकती नहीं हैं, सिर्फ सिग्नल पर रुकती हैं. ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. मैं तो बस यही कहूँगा कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए. रूल्स तो हमारी कंट्री में भी हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है. सर यहाँ पर ये है कि कोई भी है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, वो रूल्स को फॉलो करता है और इसीलिए शायद ये जो है डिज़र्व करती है सिटी जो है. इसलिए लोग कहते हैं दुबई इज़ वेरी सेफ, दुबई सेफ सिटी है. इसका नाम है दुबई सिटी वॉक. हमारे करीब तो यही है, मतलब हम वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर आ सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पर परसों भी आए थे लेकिन वो अपनी बोर्ड नहीं कर सके ब्लॉग के लिए.
तो हमने सोचा आज हम जरूर आते हैं। क्रैक द रूफ यार, सिटी वॉक, ये जो प्लेस है इट्स अ नाइस प्लेस। ओके सो गाइस, ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग शॉप है। हे मैन, व्हाट इज दिस? कोकोनट सर। कोकोनट। एंड ये है वो प्लेस जिधर हर कोई आके घूमता है। सिटी वॉक। हमी अगर मैं भागूंगा तो जुर्माना तो नहीं हो जाएगा? फाइन, ये ऐसे ही कर देते हैं इतनी सी बात पे। लाइक सो गाइस, दिस इज वॉक सिटी दुबई। बाय द वे, ये बोज एक टर्किश रेस्टोरेंट है, ये हमने परसों ट्राई किया, हमें इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो यार इधर हर किस्म का कल्चर है, ठीक है, यूके कल्चर, यूएसए कल्चर, एवरी कल्चर, फिलिपिनी, कोरियन, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। एंड हर किस्म का रेस्टोरेंट भी है, जैसे ये बोज है एंड ये टर्किश है, ऐसे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक इन्होंने सिटी वॉक एरिया कोई ऐसे डेकोर किया हुआ है जैसे लाइक यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है। सो गाइस, अभी मैंने ये सिर्फ नोटिस किया है कि ये पानी आ रहा है, एज यू कैन सी मींस दिस इज कॉल्ड डिटेल्स। हर इतनी डिटेल, हर चीज़ में इतनी डिटेल है ना कि देख के मज़ा आता है। लुक एट द व्यू गाइस। अच्छा, बुर्ज खलीफा अभी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 8 किलोमीटर दूर है, बट फिर ऐसा लग रहा है जैसे सामने है। Is it McDonald's? Yes. McDonald's. McDonald's. We find that. ये हमें चार दिन बाद जो है कोई पाकिस्तानी जगह नज़र आई है। लाइक हमें हम लोग फाइंड कर रहे थे कि यार हमें कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में भी हो यहाँ पर भी मिले, तो हमें ये फिजिकली हमें ये रेस्टोरेंट मिला। सो इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रीट्स हैं, ये अभी हम इस स्ट्रीट से निकल के अगली स्ट्रीट में जाने लगे हैं। एंड जो अगली स्ट्रीट है वो बहुत ही ज़्यादा फूड कोर्ट है, और कहीं पर परफ्यूम्स के स्टॉल्स हैं, लाइक आइसक्रीम के स्टॉल्स एंड डिफरेंट थिंग्स इसी तरह की, काफ़ी कुछ है, लेट्स एक्सप्लोर। एंड जो अगली स्ट्रीट है उधर चलते हैं, एंड उधर का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, मीन्स लाइटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ऑसम उन्होंने डेकोर किया हुआ है, तो चलते हैं जाके देखते हैं। ओके सो लुक एट दिस व्यू यार, ये लास्ट स्ट्रीट रह गई थी यार, हमने सोचा अभी निकले हैं तो ये भी स्ट्रीट विजिट कर लेते हैं। बाकी हम लोग चाह रहे हैं कि यार आपको साथ साथ दिखाते हैं। सनी ये दिखा जरा, सीलिंग तक क्या सीन है, ये सीन है यार, बहुत औसम है। ओके सो यार, इधर बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं एंड बहुत सी चीज़ें हैं, एंड बहुत ही कमाल की लाइटिंग हुई हुई है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कुछ का हमें पता है, कुछ का पता ही नहीं है, तो वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं बाय द वे वन बाय वन कि अगर आपको पता है तो इसके बारे में बताओ, लेट अस नो बाय व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड इस तरह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ओके सो गाइस, इस स्ट्रीट से हम आए थे, ये भी हमने देख ली मैकडोनल्ड वाली एंड ये लाइट्स वाली, एंड अभी ये रह गया, इसको जाके देखते हैं। लुक एट दिस स्ट्रीट यार, ये भी बहुत ऑसम है। इतने बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, उनका ट्रेडिशन है, इस वजह से ये पेड़ के ऊपर लाइटिंग वगैरह हुई है एंड ये ऐसे पॉइंट ऑफ किया हुआ है। दुबई, लुक एट दिस गाइस। तो ये हमारे समी भाई हैं, इन्होंने देखा आई लव दुबई, तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आ गया दुबई क्या? लाइक इसकी तरह पेंट कर रहा हूँ, अगर पेंट करना है सीधा होकर भी बंदा कर सकता है। ओके सो यही था दुबई स्ट्रीट वॉक का एक वॉक टूर जो हमने किया, एंड अभी चलते हैं वापस होटल की तरफ। छोटे छोटे फाउंटेन हैं, बच्चों के खेलने की भी चीज़ें इधर हैं, लाइक ये सब कुछ इधर है। तो इधर से हमारा जो होटल है वो सिर्फ 4 to 5 मिनट वॉक पे है, तो अभी वापस जाना है तो करते हैं वॉक एंड चलते हैं वापस। अरे एक और चीज़, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड होटल में टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मैं जाके आपको दिखाऊंगा। एंड बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर वैसे भी आना जाना कम होता है, लेकिन दिन के टाइम तो इधर बिल्कुल भी नहीं निकला जाता, मीन्स अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जा सकते। एंड नाइट के टाइम आप फिर भी निकल सकते हो, बट नॉट टू मच। एंड
लुक एट द कार गाइस। मुझे पहले से गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं बट इधर आके मेरा शौक बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत इधर बहुत बहुत लग्जरियस कार है। सो फाइनली हम आ गए अपने होटल वहाँ ऊपर। ऊपर से अगर देखें तो लगता है इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है हम, बट जब नीचे से देखते हैं तो 29 बहुत ज़्यादा हाइट है। इधर के लिफ्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं 29 फ्लोर तक आने के लिए। ये वो चीज़ जिसका मैं बता रहा था, ये ओवरऑल रूम टेम्परेचर है 23 पर हमने सेट किया हुआ है। ये फास्ट ग्रोइंग लोग हैं यार यहाँ। एंड वापिस अभी हम आ गए अपने रूम में, एज यू कैन सी। ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे, स्टे ऑसम, गुड बाय।